नमस्कार, आप देख रहे हैं यूफोरी वॉइस। सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। श्रीनगर से दरबार मूव पर तगड़े सुरक्षा के निर्देश, आईजी जम्मू ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने के लिए सेब पर शरारती तत्वों ने लिखे देश विरोधी नारे। कश्मीर में सुरक्षा बलों से हथियारों की अब नहीं हो सकेगी लूट, ट्रेस हो सकेंगे सभी हथियार। अविनाश राय खन्ना ने श्रीनगर में ग्राम प्रधानों से की मुलाकात, विकास का किया वायदा। और अब समाचार विस्तार से। आईजी जम्मू मुकेश सिंह ने दरबार मूव के दौरान शीतकालीन राजधानी जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की हिदायत दी है। इसके तहत शहर के साथ साथ बाहरी इलाकों में बने नाकों पर लगातार चेकिंग करने तथा अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के SP व SDPO को नियमित रूप से नाकों की चेकिंग करने को कहा। साथ ही चेताया कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के SP व SDPO जिम्मेदार होंगे। IG ने मंगलवार को पुलिस लाइन में दरबार मूव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान SSP जम्मू ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दरबार मूव के दौरान की गई तैयारियों की जानकारी दी। इसमें सचिवालय, उप राज्यपाल के सचिवालय आने जाने के रास्ते पर की गई सुरक्षा के बारे में बताया गया। साथ ही दरबार खुलने वाले दिन के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने दरबार मूव के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों तथा उससे निपटने के लिए की गई तैयारियों को भी बताया। बैठक में DIG विवेक गुप्ता, SSP तेजिंदर सिंह, SDPO व SHO मौजूद थे। आतंकी और अलगाववादी संगठनों की हताशा साफ झलक रही है। कश्मीर में सेब के लिए ट्रक चालक को निशाना बनाने के बाद अब सेबों के जरिए लोगों के दिमाग में अलगाववाद का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। कठुआ के मुख्य बाजार में फल विक्रेता के पास कश्मीर से पेटियों में आए सेबों पर पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थन में लिखे नारे मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मुखर्जी चौक के पास फल मार्केट में जाकर फल विक्रेताओं से सेब जब्त कर लिए। हालांकि पेटी में बंद सिर्फ 4 सेब पर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे थे, जो पेटी के ऊपर वाली तह में थे। पेटी में अन्य सेब सामान्य थे। कठुआ में एक साल के भीतर शरारती तत्वों द्वारा अशांति फैलाने का ये दूसरा प्रयास है। इससे पहले डिग्री कॉलेज में भी डेस्क पर पुलवामा हमले को याद करने की चेतावनी देकर नारे लिखे गए थे, जिसकी अभी तक जांच अधूरी है। थाना प्रभारी संजीव चिप ने बताया कि फल विक्रेता की सूचना पर तुरंत मामले का संज्ञान लिया गया और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक की जांच से पता चला है कि स्थानीय विक्रेताओं ने सेब जम्मू से लाया है। जहां से ये सेब लाया गया है, उन्होंने भी कश्मीर से इसे मंगवाया है। अब किस व्यापारी से ये लाया गया है, पेटी में बंद करते समय किसने ये नारे लिखे हैं, इसकी जांच होगी। सेब पर अंग्रेजी में पाकिस्तान, बुरहान बानी व जाकिर मूसा लिखा है, जबकि एक सेब पर उर्दू में हमें क्या चाहिए आजादी लिखा है। पुलिस महकमे की ओर से विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने में अहम टेंडर प्रक्रिया लगातार तकनीकी कारणों से लटक रही है। आलम यह है कि किसी एक चीज के लिए 2 से 3 बार टेंडर की तारीख निकाली जा रही है। इसकी वजह से योजनाएं वक्त पर पूरी नहीं हो पा रही। पुलिस को मिलने वाले बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस वाहन, लीज पर ली जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा, आतंकियों का सामना करने वाली मिर्च गेंद की खरीद की टेंडर प्रक्रिया पिछले 6 महीने से चल रही है, लेकिन इन 6 महीनों में इनके टेंडर 2 से 3 बार कैंसिल हो चुके हैं। अब हथियारों को चोरी होने से बचाने के लिए वेपन सेफ्टी सिस्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। इस सिस्टम के तहत हथियारों में GPS लगना था, ताकि कभी इसे कोई चोरी कर ले तो पता चल जाए कि यह हथियार कहाँ है। यदि इसमें लगी चिप को कोई हटाने की कोशिश करेगा तो हथियार चलेगा ही नहीं। कुछ महीने पहले पुलिस ने इस सिस्टम को लाने की घोषणा की थी। इसके लिए निजी कंपनी को नियंत्रित किया था, लेकिन इसका टेंडर नहीं हो सका। अब फिर से पुलिस मुख्यालय की ओर से टेंडर निकाला गया है। कहा गया है कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से टेंडर की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से राज्य में लगातार माहौल तनावपूर्ण चल रहा है, जिसका असर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी पड़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बुधवार को श्रीनगर के ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने घाटी के लोगों की समस्याएं जानी, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इससे पहले मंगलवार को खन्ना ने शोपियां में आतंकवादियों द्वारा की गई ट्रक चालक की हत्या पर दुख जताते कहा कि ट्रक ड्राइवर को मारना आतंकियों में अनुच्छेद 370 हटने की बौखलाहट को दर्शाता है। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। भाजपा घाटी में शांति और विकास लाएगी। खन्ना का घाटी में पहला दौरा है। मंगलवार को
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के खन्ना बल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 317 हटने के बाद घाटी में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, जनता अपने काम में जुटी है। श्रीनगर से अनंतनाग के रास्ते में काफी जगहों पर जाम भी देखने को मिला। पंजाब और अन्य राज्यों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं, वहां की सरकारें उन्हें पूरी सुरक्षा दे रही है। उन्होंने कहा कि 317 हटने के बाद भाजपा ने कई जगहों पर कार्यक्रम किए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, स्वच्छता अभियान और प्लांटेशन ड्राइव चलाई। पार्टी यहां भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। घाटी की जनता यहां विकास और शांति चाहती है। नजरबंदी पर उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया है, किसी पार्टी पर बैन नहीं लगाया है। इसी के साथ अभी तक के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।